गाइस फाइनली आप सबके लिए वीडियो बनाने जा रहा हूँ मैं सीआईएसएफ एससीएम के ऊपर हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल। आपको पता है दोस्त आपकी जो इसमें टाइपिंग टेस्ट अभी चल रहे हैं और 2019 में आपकी भर्ती आई थी, 2020 में आपका पीएसटी पीईटी इसमें क्लियर करवाया गया था, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। पीईटी आपका इसमें नहीं था, पीएसटी था ओनली। उस भर्ती में खुद भी शामिल था इस भर्ती में मैं, और 2020 में जयपुर में मेरा फिजिकल टेस्ट इसमें हुआ था। और गाइस बात करें आगे आपके इसमें भर्ती प्रोसेस के बारे में, अभी आपका टाइपिंग टेस्ट चल रहा है इसमें, और जो कैंडिडेट्स टाइपिंग क्वालिफाइड कर देंगे आपका फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा मेडिकल के बाद, ठीक है। लेकिन मेन मुद्दा यही चढ़ा है कि सर टाइपिंग हम सर कैसे क्वालिफाइड करें, कल सर 4 नवंबर था सर, कितने कैंडिडेट्स को कल पास किया गया है, और सर टाइपिंग के लिए फॉन्ट कौन सा मिल रहा है, सर टाइपिंग हम कितनी मिस्टेक कर सकते हैं टाइपिंग में, और सर हमें कीबोर्ड कौन सा दिया जा रहा है। तो गाइस बहुत सारे डाउट आप सबके रहते हैं, तो भाई फाइनली आप सबके लिए वीडियो बनाने जा रहा हूँ मैं आपके सभी डाउट्स के ऊपर। आपको वीडियो को फुल वॉच करना है, वीडियो स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर आप वीडियो स्किप कर देते हो तो आपसे इंपॉर्टेंट जानकारी मिस हो सकती है। तो गाइस बात करते हैं आपके सबसे पहले कीबोर्ड के बारे में। दोस्त देखिए, अगर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है तो आपके लिए कीबोर्ड मैटर नहीं करता है। आपके पास HTML का है, क्वाटम का है, या फिर आप HP का यूज़ कर रहे हो, डेल का यूज़ कर रहे हो, ये सब मैटर नहीं करता है। लेकिन गाइस जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है खुद का, आपको भाई जो कीबोर्ड मिलेगा एकदम हल्का कीबोर्ड मिलेगा, आप एक बार प्रेस की करोगे भाई पूरी लाइन लग जाएगी, ऐसा कीबोर्ड आपको दिया जाएगा वहाँ पे। तो भाई फोकस ऑन टाइपिंग, आपको बस ये होना चाहिए कि मैं कौन सी कीज प्रेस कर रहा हूँ, ये नहीं कि आप F दबा रहे हो वहाँ पे B दब जाए, ये सब नहीं करना है आपको। हर एक वर्ड को आप अच्छे से प्रेस करना, हर एक कीज को अच्छे से प्रेस करना है आपको, ठीक है। आगे दोस्त बात करते हैं आपके फॉन्ट के बारे में। आपको भाई हिंदी में मंगल फॉन्ट दिया जाएगा, इंग्लिश में कोई फॉन्ट नहीं होता है। और कीबोर्ड में अगर कुछ प्रॉब्लम है आपके तो आप भाई आराम से कीबोर्ड चेंज करवा सकते हो, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। और कई मुझे मेरे भाइयों का, मेरी बहनों का कमेंट आता है कि सर मैंने फॉर्म फिलअप करते टाइम इंग्लिश का चूज किया था लेकिन मेरी टाइपिंग स्पीड हिंदी में अच्छी है तो मैं हिंदी में कर सकती हूँ। हाँ, आप एकदम हिंदी में कर सकते हो। जो भाई CISF ऑफिसर्स होते हैं, CRPF में मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरी टाइपिंग स्पीड इंग्लिश में अच्छी है, मैंने हिंदी वहाँ पे सेलेक्ट कर दिया था फॉर्म फिलअप करते टाइम, तो भाई मैं वहाँ पे इंग्लिश की टाइपिंग दे के आया था, उनसे बात करके काम हो जाता है जहाँ तक मुझे पता है, तो टेंशन वाली कुछ बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और गाइस बात करते हैं सर कितने कैंडिडेट्स को पास किया जा रहा है। गाइस कल आपका जो टाइपिंग टेस्ट था काफ़ी सारे सेंटर्स पे था, 400 में से आई थिंक 50 या 60 कैंडिडेट्स को पास किया उन्होंने। बहुत सारे कैंडिडेट्स फेल हो रहे हैं, क्यों फेल हो रहे हैं दोस्त? अपनी गलती के कारण फेल हो रहे हैं। देखिए दोस्त, 100 बात की एक बात है, टाइपिंग सबकी अच्छी होती है, 50 60 80 90 वर्ड पर मिनट कोई भी लिख देता है, ठीक, 50 तो आराम से कर देते हैं, 40 50 के अराउंड सबकी टाइपिंग स्पीड आ रही है जो भी मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, ठीक है। कोई ऐसा रेयर केस हो जिसकी 20 वर्ड पर मिनट आ रही होगी, 30 40 50 के अराउंड आप सबकी टाइपिंग स्पीड आती है। लेकिन मेन क्या होता है दोस्त, टाइपिंग सबकी होती है लेकिन फेल वहाँ पे इसलिए होते हैं क्योंकि भाई वहाँ पे आप घबरा जाते हो, घबराहट होती है मन में, CISF ऑफिसर होते हैं सामने, वो बोलेंगे गो स्टार्ट नाउ, आपका गो कहते ही उनको आप मतलब बिल्कुल आपको हड़बड़ी कर देते हो, आप सब तभी फेल हो जाते हो। अगर आपकी भाई वहाँ पर एक मिस्टेक होगी तो बार बार आप मिस्टेक करोगे, ठीक है। तो आपको मिस्टेक नहीं करनी, आपको धैर्य रख के मन को शांत करके तभी टाइपिंग स्पीड करनी है वहाँ पे भाई, ध्यान दीजिएगा भाई। अगर आप ऐसे मौके बार बार नहीं आते, फिजिकल टेस्ट बार बार क्वालिफाइड नहीं होता, पेपर बार बार क्वालिफाइड नहीं होता दोस्त, ठीक है। आप सब मिडिल क्लास फैमिली से हो, मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो भाई ये जो लम्हे हैं ना अब नहीं आएंगे, ये जो टाइम है बीत गया सो बीत गया। तो भाई फोकस ऑन टाइपिंग, आपको टाइपिंग अच्छे से करना है, हड़बड़ी नहीं करनी है, मोटिवेट रहना कि हाँ यार मैं टाइपिंग क्वालिफाइड कर सकता हूँ, टाइपिंग सबकी अच्छी होती है। मत सोचो कि इसी टाइपिंग 80 वर्ड पर मिनट है, वहाँ पे भाई क्या होता है कि 80 वर्ड पर मिनट वाला रह जाता है और 30 वर्ड पर मिनट वाला पास कर जाता है, तो ये सीन होता है वहाँ पे। तो भाई मेन बात ये है कि आपका फोकस कितना है वहाँ पे, कीबोर्ड पे, आपके माइंड पे कितना फोकस आप कर रहे हो, ये सब इंपॉर्टेंट है वहाँ पे, ठीक है, तभी आप टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाइड कर सकोगे वहाँ पे। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको आराम से टाइपिंग स्पीड क्वालिफाइड कर लेनी है। और गाइस देखिए, आपकी वैकेंसीज आई थिंक आगे बढ़ भी सकती हैं, जैसे कि आपकी जो इससे पहले जो भर्ती चल रही है आपकी, इसके बाद जो भर्ती आपकी आई है 540 पोस्ट पे, उसकी वैकेंसीज को बढ़ा दिया गया है। तो भाई ऐसे भी आपकी इस भर्ती के भी जो वैकेंसीज को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अभी तक बढ़ाया नहीं गया है, आप सब टेंशन ना लें, आगे बढ़ सकती हैं, ठीक है। तो भाई मैं उम्मीद करूँगा आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ भी आपका डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम की आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम की आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम पे आपको पैराग्राफ मिल जाएगा, किस प्रकार का आपको वहाँ पे पैराग्राफ करने को मिल रहा है, पेपर आपको दिया जा रहा है, सॉफ्टवेयर पे टाइपिंग आपकी नहीं हो रही है, पेपर आपको मिल रहा है, तो पेपर में आपको MS वर्ड पे टाइपिंग करके वहाँ पे 10 मिनट में 35 वर्ड पर मिनट निकालने हैं इंग्लिश में, 30 वर्ड पर मिनट निकालने हैं आपको हिंदी में, ठीक है। तो भाई अगर मैं बात करूँ इंग्लिश में,
1750 स्ट्रोक्स आपके बन जाते हैं यहाँ पे आपको टाइप करना है, और हिंदी में आपको 1500 स्ट्रोक आपके टाइप होने चाहिए, तभी आप आपकी जो टाइपिंग स्पीड है 30 वर्ड पर मिनट वहाँ पे आएगी। ठीक है, दो आपको फॉर्मेट मिल रहे हैं वहाँ पे, पैराग्राफ आई थिंक दो पेज मिल रहे हैं आपको, दोनों में दोनों टाइप करोगे तो आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा आएगी उसमें, अगर आप करोगे अच्छे से दोनों। आई थिंक कोई टाइप कर नहीं पा रहा है, दोनों पेज को कोई टाइप नहीं कर पा रहा है, तो भाई आपको टाइप करना है, मेन फोकस है भाई अपने टाइपिंग पे, धैर्य रखो कि हाँ मैं अच्छे से कर सकता हूँ, कॉन्फिडेंस रखो कि हाँ मैं टाइपिंग कर सकता हूँ, और कुछ दिक्कत नहीं भाई, सब हलवा है, आराम से करो टाइपिंग करो, कोई दिक्कत नहीं, टाइपिंग क्वालिफाइड करो, और जल्दी से यूनिफॉर्म पहनो, बहुत जल्दी आपके मेडिकल होने वाले, इसमें डीवी आपका होने वाला, और फाइनली ज्वाइनिंग आपकी नवंबर दिसंबर में करवा देंगे। ठीक है, आई थिंक नवंबर चल रहा है अभी, ये दिसंबर या फिर जैन के फर्स्ट में आपकी जो जो भाई ज्वाइनिंग है वो आ जाएगी, आप टेंशन ना लें, बस आप अपनी मेहनत करते रहो, मैं भी मेहनत करूँ, आप भी मेहनत करो, एंड गाइस थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम, आपका दिन शुभ रहे।